हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, आज मैं आपकी अपनी और मेरी सबकी पसंदीदा नमक पारे की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको सबको खाना बहुत पसंद है और चाय के साथ ही बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत ही आसान है, पर कई लोगों को इसका बनाने का सही तरीका नहीं पता है, और मैं आपको बहुत ही आसान और सही तरीके से और बहुत ही ईजी वे में इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नमक पारे की रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक कप मैदे का इस्तेमाल किया है। तो एक कप मैदा ले लीजिए और इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार हल्का सा ही डालना है, और इसमें मैं अजवाइन डालूंगी। इसको अच्छे से अपने हाथों से क्रश करते हुए इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप इस पर जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2 टेबल स्पून मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी। आप चाहो तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको मैदे को मॉइन कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो भी हमने सब कुछ इसके डाला है उनको अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे। ये देखिए, हमारा आटा हमारा मिक्स हो चुका है, तो इसका मतलब नमक पारे के लिए आटा हमारा रेडी है। अब इसको हम नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे। तो इस तरीके से इसको अच्छे से गूंद लीजिए। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपका जो डो है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम समोसे के लिए बनाते हैं वैसा ही। तो इस तरीके से इसको गूंदने के बाद इसको इकट्ठा करके हम उसी प्लेट में वापस रख देंगे जिसमें हमने गूंदा है, और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा रिफाइंड लगा लेंगे। रिफाइंड लगाने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक दीजिए। उसके बाद आप जब नमक पारे बनाएंगे तो वो बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो इसको हमने ढक दिया है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही 15 से 20 मिनट हो जाए, उसके बाद हम डो से जो कपड़ा हमने रखा है उसको हटा के साइड कर देंगे, और हम इसे चेक करेंगे। सॉफ्ट बिल्कुल आटा आपका हो चुका होगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से गूंद लेंगे, थोड़ा सा ही इसको गूंदना है। फिर इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक हम इसको सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। आप चाहो तो आपको जैसा पसंद आए उसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप देने के बाद मैंने इसमें कट कर दिया है, और इसके बाद हम इसकी लोई बना लेंगे। नॉर्मल सी हमने लोई बनानी है, जैसे कि हम रोटी के लिए बनाते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने 4 भागों में करा है, आप चाहो तो इसमें 2, 3, 1 जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा ही करना। तो इसको अच्छे से गूंदने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल लगाया है, और इसको हम बेलन की सहायता से गूंद लेंगे। एक हमने इसको गोल रोटी का शेप देना है, बट रोटी से थोड़ी सी मोटी रखनी है, क्योंकि पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमक पारे हम बना रहे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे इसको। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको बेल लिया है इस तरीके से। अब हम इस पे चाकू से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से कर लीजिए रैंडमली। नमक पारे आपको पता है कि तिरछे होते हैं, तो हमने ये तिरछी शेप देनी है इसके अंदर। तो ये सारे के सारे मैंने कट कर लिए। आप चाहो तो छोटा साइज, बड़ा साइज, जैसा आपकी इच्छा हो उसके अनुसार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से बिल्कुल पतला सा बन के रेडी हो चुका है। लेकिन जब आप इसको तलेंगे ना, तो उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा ये अपने साइज से बड़ा हो जाता है। तो एक प्लेट में आप इस सारे के सारे जो आपने नमक पारे बनाए हैं वो रख लीजिए। मैंने इस तरीके से रख लिया है। अब ये मत सोचना कि इकट्ठे हो गए, चिपक गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे की ऐसे तेल में डाल दीजिएगा। अच्छा, तेल को हमेशा की तरह मैं बताना चाहूँगी, हाई फ्लेम में गर्म करना है और लो फ्लेम पे आपको इनको पकाना है, क्योंकि पकाने के लिए हमेशा लो फ्लेम रखनी चाहिए ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो आप जैसे मर्जी भी इसको डाल दोगे नमक पारे को, तो ये देखिए अपने आप ही अलग हो जाएंगे, चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सारे के सारे अलग भी हो गए हैं, धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं, और थोड़ी देर इनको चलाते रहेंगे, और इनका लाइट गोल्डन कलर आने के बाद हम इसको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, चलाते रहिए जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रखना है। इन बातों का आप ध्यान बिल्कुल रखिएगा, तभी आपके नमक पारे बहुत ही डिलीशियस लगेंगे, जैसे कि आप मार्केट से लेकर आए हैं। तो ये देखिए इनका कलर कितना सुनहरा सा हो गया है, बस हमें यही स्टेज पे चाहिए, और हम सारे के सारे नमक पारे निकाल लेंगे। अब बस आप इस बात का ध्यान रखना कि आपकी गैस की फ्लेम ऑफ हो जानी चाहिए। तो मैंने टिश्यू पेपर रख लिया है एक प्लेट पर, और उसमें मैं सारे के सारे नमक पारे निकाल लूँगी। सारे के सारे नमक पारे मैंने निकाल लिए जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम मैं आपको इनकी साउंड भी चेक कराती हूँ। तो ये देखिए इसकी साउंड। तो फ्रेंड्स,
ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस बना है। सच में आप एक बार इस तरीके से बनाओगे नमक पारे, आप जिंदगी भर मेरी तारीफ करोगे। चलो मत करना, अपनी ही कर लेना। तो पर ये रेसिपी बहुत ही आराम से बनने वाली और बहुत ही ईजी है। और एक कप मैदा में देखो कितने सारे बन गए। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रेसिपी में कुछ डिलीशियस खाने के साथ। बाय बाय।